नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक। आइए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। और सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है आ गया है दिसंबर के लिए। ये आधिकारिक वेबसाइट है दोस्तों, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट CTET जिसे कहा जाता है। CBSE द्वारा इसको देखा जाता है। इसका रिवाइज्ड बुलेटिन आया है, ये आप देख सकते हैं, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन रिवाइज्ड CTET December 2024। और ये रहा इसका PDF, 39 पेज का PDF है। हम मेन डिस्कशन इसके अंदर करने वाले हैं आपको बताने के लिए दोस्तों, इसको ध्यान से देखिएगा। ये आप देख सकते हैं, सबसे पहले ही पेज पर इन्होंने मुख्य चीज़ लिख दी है, 17 तारीख से शुरू हुआ है ये, 16 अक्टूबर तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट सबमिशन की रात 12 बजे तक 16 तारीख के है। और परीक्षा कराने वाले हैं ये 15 दिसंबर को 2024 को। ये टेंटेटिव नहीं बता रहे हैं, ये इसको रियल ही, अगर फैक्ट लिखा है कि 15 को होनी है तो 15 को ही होनी है। दो पेपर होंगे दोस्तों, मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में। आप देख सकते हैं ये इनके टाइमिंग यहाँ पर दे रखे हैं प्रॉपर, Paper 1 और Paper 2 के लिए ये टाइमिंग जो है। और इन्फॉर्मेशन बुलेटिन स्टार्ट होता है दोस्तों। अब यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि क्या क्या रिक्वायर्ड है, क्या क्या ज़रूरी है। तो बेसिकली जो भारतीय परीक्षाओं में होता है वो तो होना ही है। ये एक प्रोसेस उन्होंने समझाया है कि हमारी वेबसाइट पर जाइए, वहाँ से अप्लाई का बटन दबाइए और एप्लीकेशन को पढ़िए, और यहाँ से आप नोट डाउन कीजिए जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर और एप्लीकेशन बनकर आता है फॉर्म भरने के टाइम पर। फोटोग्राफ सिग्नेचर अपडेट करने हैं, अपलोड करने हैं, डेबिट क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना है, और कन्फर्मेशन पेज जो है फ्यूचर रिकॉर्ड के लिए निकाल कर अपने पास रख लेना है। उससे पहले दोस्तों एप्लीकेशन पर जाना है, और जब आप अपने ID पासवर्ड बनाएंगे तो पासवर्ड को बड़ा अच्छा बनाइएगा। ये पासवर्ड की पॉलिसीज दे रखी हैं, 3 क्रम में आपको लिखी हुई हैं, स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर के साथ अपना एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लीजिए। क्या अपलोड करना है, किस साइज़ में अपलोड करना है, ये आपको यहाँ पर बेहतर तरीके से दे रखा है। आप देख सकते हैं ये जो हमारी कैटेगरी हैं पेपर्स के लिए, उनके लिए ये अलग अलग फ़ीस निर्धारित की गई है, आप इन फीस को देख सकते हैं। ये मोड ऑफ पेमेंट दे रखा है डेबिट क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग के साथ। और कन्फर्मेशन पेज को भी जो है भाई प्रॉपर डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट आपको करना है, वो भी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर। ये दोस्तों क्रम है, और यहाँ पर लिखा हुआ है द डेट्स फॉर डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड, वो भी अवेलेबल CTET की वेबसाइट पर ही होंगी। और जो कॉरेस्पॉन्डेंस के एड्रेस हैं, अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो ये प्रॉपर किसको आपको कह सकते हैं कि नोट करना है, भेजना है, उनको आप देख सकते हैं दोस्तों। अब ये बैकग्राउंड और रैशनल की बात कर रहे हैं, शॉर्ट टाइटल, डेफिनेशन, मोड ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, एलिजिबिलिटी, ये सारी कहानी जो है 24 क्रम में यहाँ पर दे रखी है। ये आप यहाँ पर पढ़ते जाएंगे, इसमें डेफिनेशंस जो दे रखी हैं इनको ध्यान से देखना है। ड्यूरेशन आप परीक्षा की यहाँ पर देख सकते हैं। और कैंडिडेट आर मोर इन एनी सिटी, द एग्ज़ाम में ऑल्सो भी कंडक्टेड ऑन 14 दिसंबर 2024 को। अगर किसी केस में, इनका कहना ये है कि इन केस नंबर ऑफ़ कैंडिडेट अगर ज़्यादा होते हैं तो उस एग्ज़ाम को ये 14 दिसंबर 2024 को भी कंडक्ट करा सकते हैं। ये इसके मोड दे रखे हैं दोस्तों, एलिजिबिलिटी दे रखी है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के लिए डिटर्मिनेशन ऑफ मिनिमम क्वालिफिकेशन पर्सन टू बी रिक्रूटेड एज एजुकेशन टीचर एंड फिजिकल एजुकेशन टीचर्स इन प्री प्राइमरी, प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, इंटरमीडिएट स्कूल्स और कॉलेजेस, रेगुलेशंस एज अमेंडेड एंड नोटिफाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम। कैंडिडेट शुड सेटिस्फाई हिज हर एलिजिबिलिटी बिफोर अप्लाइंग एंड शेल बी पर्सनली रिस्पॉन्सिबल इन केस, अगर वो एलिजिबल नहीं पाया जाता है तो वो खुद जिम्मेदार होगा दोस्तों। यहाँ पर कुछ रिलैक्सेशन की बात भी की गई है। स्ट्रक्चर क्या है, कॉन्टेंट क्या है CTET का, ध्यान से देखिए। Paper 1 जो है टीचर्स स्कूल 1 से 5वीं के लिए, और Paper 2 जो है वो 6वें से लेके और 8वें तक के लिए ये दे रखा है। और यहाँ पर प्रॉपर आपको बताया है कि किस परीक्षा में, जो Paper 1 होगा, इसमें ये 5 तरह के क्वेश्चन आएंगे, MCQ और नंबर दे रखे हैं, 150 MCQs आएंगे, 150 नंबर्स के हैं, और ये नेचर और स्टैंडर्ड उनका दे रखा है। ये जो भाषाएं ऑप्ट आप कर सकते हैं उसमें ये प्रॉपर भाषाएं दे रखी हैं अपने कोड सहित, इन कोड को जो है सिलेक्ट करना होता है। इसके बाद ये जो Paper 2 है ये भी 150 नंबर का है, 150 क्वेश्चन दे रखे हैं, यहाँ पर ये सब्जेक्ट दे रखे हैं बायफर्केशंस के साथ, और यहाँ भी जो है आपको भाषाएँ दे रखी हैं। लैंग्वेज ऑफ द मेन क्वेश्चन पेपर बायलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश में ये लिखा हुआ है। क्वालिफाइंग मार्क्स एंड अवार्ड ऑफ CTET सर्टिफिकेट जो है उसका क्रम भी यहाँ पर दे रखा है। ए पर्सन जो 60 से ज़्यादा स्कोर करेगा TET एग्ज़ाम में उसको कंसिडर किया जाएगा TET पास, और ये अलग अलग कुछ निर्धारित मापदंड दिए हुए हैं। एप्लीकेबिलिटी क्या है और कहाँ कहाँ पर है, ये KBS, NBS, सेंट्रल तिब्बतन स्कूल एक्सेट्रा अप्लाई यहाँ यहाँ भी माना जाएगा उसका। वैलिडिटी पीरियड ऑफ CTET सर्टिफिकेट क्या है दोस्तों,
सर्टिफिकेट फॉर अपॉइंटमेंट विल बी फॉर लाइफ टाइम फॉर ऑल द कैटेगरी. देर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ द नंबर ऑफ अटेम्प्ट ए पर्सन कैन टेक फॉर एक्वायरिंग अ सीटीटी सर्टिफिकेट. इनका यहाँ पर साफ साफ कहना है कि लाइफ टाइम जो है इस कैटेगरी का क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट फॉर अपॉइंट फॉर द लाइफ टाइम फॉर द कैटेगरीज के लिए रहेगा. और इसको आप देख सकते हैं एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ कहाँ रहने वाले हैं. आपको चार चॉइस जो है भरनी होंगी. यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है ई एडमिट कार्ड आपको जनरेट किया जाएगा. एग्जामिनेशन की फ़ीस मैं ऊपर पहले बता चुका हूँ. वेरिफिकेशन होगा एलिजिबिलिटी का. फर्निशिंग होगी फॉल्स और कोई गलत जानकारी अगर दी जाती है. रीचेकिंग होगी. रीएवोल्यूशन होगा दोस्तों. इसके साथ ही सर्टिफिकेट और मार्कशीट का क्या प्रोसेस रहेगा ये बताया गया है आपको. देन डिस्प्ले ऑफ स्कैन कॉपी ओएमआर शीट परीक्षा हो जाने के बाद आधिकारिक वेबसाइट पर ये दिखाया ही जाता है. अगर आपको कोई परेशानी हो ये दे रखा है आपका सिलेबस. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट इस वीडियो का चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी और ये टॉपिक दे रखे हैं. उसके अंदर क्या कितने क्वेश्चन का आएगा ये मैथमेटिक्स दे रखी है. बेसिक मैथमेटिक्स है. पेडागोजिकल इश्यूज़ एनवायरमेंटल स्टडीज़ देन लैंग्वेजेस आपको दे रखी हैं. लैंग्वेजेस में आपको इंग्लिश के बारे में बताया गया है. कॉम्प्रहेंशंस आप देख सकते हैं. ये हो गया पेपर वन के लिए. और एज इट इज़ ये जो है पेपर टू के लिए यहाँ पर क्रम में दे रखा है क्या टॉपिक किस क्वेश्चन से कितने नंबर का जो है आने वाला है ये आपको प्रॉपर जो है दोस्तों इसके अंदर बताया गया है. देन हम चलते हैं प्रोसीजर टू बी फॉलोड ड्यूरिंग कंडक्ट ऑफ सीटीईटी. और ये सीटीईटी में जो प्रोसीजर होगा सिंस द बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन में भी इंट्रोड्यूस एग्जामिनेशन सेंटर पर सो यू आर एडवाइज टू रीच द सेंटर वेल इन टाइम सो एज टू सेव टाइम लॉस इन अटेम्प्टिंग योर एग्जामिनेशन. इन केस यू रीच द एग्जामिनेशन सेंटर एट लास्ट मिनट यू मे लॉस योर एग्जामिनेशन टाइम. आजकल बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन शुरू हो गया है परीक्षाओं पर तो समय निर्धारित समय से पहले पहुँच जाएँ और अपनी परीक्षा को अच्छे से दें. यहाँ पर क्या क्या अलाव नहीं है अंदर ले जाने के लिए और क्या क्या अलाव है इसकी विस्तृत जानकारी दे रखी है. इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और पढ़ने के बाद जो है आपको और बेहतर समझ में आ जाएगा दोस्तों. क्योंकि एक वीडियो को लंबा करने से कोई सेंस नहीं है. ये नोटिफिकेशन बहुत बड़े होते हैं. मैंने इम्पोर्टेंट चीज़ जो है आपको इसमें बता दी है. और टेस्ट बुकलेट और ओएमआर शीट का क्या प्रोसीजर रहेगा किस प्रकार से आएगी क्या नंबर लिखना है उसमें क्या क्या मेंशन करना है इतना ज़्यादा अब आपको बताया जाता है. बहुत अच्छी बात है ये और बहुत ज़रूरी भी है ये. और ये क्वेश्चन की मार्किंग कैसी रहेगी रफ वर्क आपको कैसे करना है और ये इंस्ट्रक्शन है ओएमआर शीट को भरने के लिए. ये भी आप देख सकते हैं दोस्तों ओएमआर शीट को कैसे भरा जाता है. और ये है वो राज्य वो शहर जहाँ पर ये परीक्षा होनी है. आप अपने आसपास जहाँ भी रहते हैं वहाँ पर देख सकते हैं कि आपका कौन सा ज़िला है कौन सा राज्य है कौन सा केंद्र है आपको मिलने वाला है. और ये प्रॉपर इन्होंने जो है देखिए 236 दिख रहे थे जो कि आपको देखने के लिए मिलेंगे. अप्लाई करने के लिए ये प्रोसेस दे रखा है और इस प्रोसेस के तहत ही जो है आपको ये बार बार वही रिपीटिंग्स वर्ड आ रहे हैं दोस्तों. आपको बेसिकली ये देखना है कितने पेपर होने हैं क्या मार्क्स के होंगे क्या उसकी फ़ीस है कब से कब तक भरे जाने हैं डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगना है और परीक्षा कब होनी है. तो दोस्तों इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों को जो सालों से तैयारी कर रहे हैं सीटीईटी के उन्हें भी बताइए. वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. मेरा नाम है विवेक भारद्वाज. थैंक यू.